यह आदमी 20 से अधिक वर्षों के लिए शिकार किया गया है। यह विक्टर अपना भाग्य बदलना चाहता है। उसने ट्यूमर को इस आदमी की पीठ पर इंजेक्ट किया, फिर कुछ तरल चूसे दबाव के अंतर का उपयोग करते हुए बाकी को बाहर निकाल दें। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रीढ़ की हड्डी का पुनर्वास है। विक्टर ने अपनी रीढ़ को स्तंभ में तोड़ दिया। आर्थोपेडिक ब्रेसेस लगाएं, कमर और कंधों को ठीक करें। अप्रत्याशित रूप से यह आदमी खड़ा हो सकता था, भी एक सुंदर आदमी में बदल गया। कल भी वह कुबड़ा था। सर्कस में केवल मनोरंजन पर ही रह सकते हैं। भगवान ने इस दरवाजे को फिर से बंद कर दिया, लेकिन उसके लिए एक नया भी खोल दिया। मनुष्य को कम उम्र से ही शारीरिक चिकित्सा का व्यापक ज्ञान था। मानव आंतरिक अंगों के माध्यम से देखना भी संभव है। दुर्भाग्य से इस जगह कोई फायदा नहीं है। आज तक एक रहस्यमय शख्स सामने आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। इस समय कुबड़ा आदमी अभी भी उस देवी को देख रहा था जिसे वह चुपके से प्यार करता था। लेकिन प्रदर्शन की रस्सी टूट गई, वह जमीन पर गिर पड़ी। एक ही समय में दो लोग दौड़ पड़े। एक तो कुबड़ा आदमी है, उसे एक समस्या नजर आती है। लड़की की कॉलर बोन फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और सांस नहीं ले सका। विक्टर ने कहा कि विशेष उपकरण के बिना कोई इलाज नहीं होगा, लेकिन कुबड़े आदमी ने उससे सिर्फ एक घड़ी मांगी। उसकी हंसली का तकिया टूटा हुआ था। फिर हड्डी को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने के लिए बल का प्रयोग करें। ओह, यह महान है। विक्टर विश्वास नहीं कर सकता था कि जिस मेडिकल जीनियस को खोजने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह एक विदूषक था। आधी रात को उन्होंने कुबड़े आदमी को बाहर निकाला। फिर शुरुआती दृश्य है। विदूषक वापस नहीं आया। अब से वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक विक्टर हैरी के लिए एक प्रभावी हाथ है। निकटतम शहर में एक जानवर का विच्छेदन था। जासूस को लगता है कि इसमें आसान नहीं है, इसलिए सर्कस की जांच करने गए। उसकी गंध की भावना बहुत तेज है। मुख्य पशु हत्यारा विक्टर है। उन्होंने एक पागल प्राणी प्रयोग किया, लेकिन काम ज्यादा होने के कारण हैरी की मदद की जरूरत थी। अब समय आ गया है कि वह सच्चाई जाने। ये कृत्रिम रूप से क्लोन की गई आंखें हैं, लेकिन अजीब तरह से 18वीं शताब्दी में दिखाई दी। बायो इलेक्ट्रिसिटी का अनुकरण करने के लिए विक्टर भौतिक प्रवाह का उपयोग करता है। प्रवाह की जेल के माध्यम से प्रतिकृति करते हुए इन ऊर्जाओं को आंखों में लाए। उन्होंने मानव आंख के समान एक सहज प्रणाली तैयार की, लेकिन हैरी ने बताया कि ऑप्टिक तंत्रिका गलत तरीके से जुड़ी हुई थी, इसलिए नई ब्लिंकिंग सीमा समान नहीं है। विक्टर नाराज नहीं था, लेकिन खुशी से हंस पड़ा। यह सिर्फ एक परीक्षण है। हैरी को सही करने के लिए विक्टर विभिन्न जानवरों के अंगों को बाहर लाता है, लेकिन हर बार वह मरम्मत किए गए अंगों को तहखाने में ले आया। विक्टर ने अंत में हैरी को वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम दिखाए जो उन्होंने एक साथ किए थे। जैसा कि यह निकला, यह विभिन्न जानवरों से बना एक राक्षस था, लेकिन उस समय के वातावरण में जीवन का निर्माण एक चमत्कार ही कहा जा सकता था। उन्होंने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाया। अगले दिन विक्टर एक प्रयोग के लिए शाही अकेडमी गया। यहाँ सभी प्रसिद्ध परिवार हैं, अजीब चीजों की तरह। हैरी ने स्विच खींच दिया, तेज करंट छोड़ा गया, दृश्य नियंत्रण से बाहर हो गया। रईस हंसी, लेकिन अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया। वह सड़ा हुआ गांठ वास्तव में जीवन में आया, लेकिन उसकी खाली आंखों से यह देखा जा सकता था कि यह सिर्फ एक लाश थी। हैरी ने उसे भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया। घबराहट से बचने के लिए विक्टर ने आग बुझाने वाला यंत्र निकाला और राक्षस को जोर से मारा। बड़ी से बड़ी मुसीबत का इन्होंने समाधान किया है। सब दिक्कत स्वेच्छा से उन्हें प्रायोजित करते हैं, लेकिन वह जो चाहता था वह एक पूरी नई मानवता थी। अथ रात्रि के अंधेरे में उनके बीच भयंकर विचार मंथन छिड़ गया। लेकिन प्रयोग प्रायोगिक चरण में आ रहा है। जासूस ने विक्टर की प्रयोगशाला खोज ली है, इस वजह से कोई जेल नहीं जाना चाहता। विक्टर ने जासूस का हाथ गियर में डाल दिया था। वे गुप्त कमरे से भाग जाते हैं। तो इंसानों को बनाने की एक भयानक योजना का मंचन होने ही वाला था। मृतकों को वापस जीवन में लाने के लिए विक्टर लाश में दो मानव हृदय सिले हुए रखता है। जीवन को सक्रिय करने के लिए बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का होना महत्वपूर्ण है। गर्म हवा का गुब्बारा बारिश को संचित करने के लिए बादल की परत पर उड़ जाता है। इस समय एक बिजली गिरती है। एक बड़ा करंट गुब्बारे के निचले सिरे पर कंडक्टर के माध्यम से फैलता है। चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनता है। निम्नलिखित चमत्कार के क्षण के गवाह होंगे। फिर से जीवित विक्टर ने हिलते हुए शरीर को देखा और खुशी से मुस्कुराया। यह मानवता को बदल सकता है, लेकिन गुब्बारा अभी भी ऊपर की ओर धारा उठा रहा है। चार्ज अधिभार के कारण प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला हुई। नहीं है, इतिहास में मानव निर्मित पहला मानव आखिरकार जीवित है। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक राक्षस है। लेकिन जब विक्टर अपने बच्चे का स्वागत कर रहा था, यह पता चला कि यह आत्मा के बिना सिर्फ एक राक्षस था।
अचानक जासूस ने राक्षस पर गोली चला दी। इससे भावहीन राक्षस भड़क उठा। हैरी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने स्टील की छड़ से राक्षस के पेट में वार कर दिया। लेकिन यह मृत नहीं लग रहा था। चाहे दोनों ने कितना भी पलटवार किया हो, यह बेकार था। चाकू का प्रयोग करें, बिजली का उपयोग करें, दिल के माध्यम से भी यह राक्षस अभी भी जीवित रह सकता है। यह पता चला कि विक्टर ने इसे दो दिलों के साथ डिजाइन किया था। नहीं है, इस बार विक्टर ने दूसरे दिल पर वार किया। अप्रत्याशित रूप से मानव निर्मित लोगों का अंत इतना दुखद था। लेकिन विक्टर का जुनून, जीवन में मूल्य बनाने के लिए शेष वर्षों का उपयोग करें।